नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरी इस चैनल डॉक्टर अणिमा उपाध्याय पर। और आज अपनी अभिव्यक्तियों पर मैं आप लोगों को हिंदुस्तान की नारी शीर्षक कविता विशेष 8 मार्च नारी सशक्तिकरण दिवस पर सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और मेरे इस वीडियो को अपने सभी मित्रों में जरूर शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं कि हिंदुस्तान की नारी। नारी अभिमान है, नारी अभिमान है, हर घर का सम्मान है। नारी अभिमान है, हर घर का सम्मान है, पूज्या है, आराध्या है, पूज्या है, आराध्या है, आदि है, अनंत है, पूज्या है, आराध्या है, आदि है, अनंत है। नारी के बिना जीवन क्लांत है, नारी के बिना ये जीवन क्लांत है। हर यात्रा नारी से शुरू होकर, हर यात्रा नारी से शुरू होकर नारी पर समाप्त होती है, हर यात्रा नारी से शुरू होकर नारी पर समाप्त होती है। ये वो रूप है, ये वो रूप है जो साथ रहता जीवन पर्यंत है, ये वो रूप है जो साथ रहता जीवन पर्यंत है। नारी विश्वास है, प्यार का एहसास है, नारी विश्वास है, प्यार का एहसास है। स्निग्ध हो या कोमल या झुर्रियों वाला, स्निग्ध हो या कोमल या झुर्रियों वाला, हर रूप उसका कर देता है मत वाला, हर रूप उसका कर देता है मत वाला। नारी न परेशान है और ना ही उसे थकान है, नारी न परेशान है और ना ही उसे थकान है। दो कदम आगे चलने वाली, दो कदम आगे चलने वाली वो शिव की पहचान है, दो कदम आगे चलने वाली वो शिव की पहचान है। क्यों आंक रहे हो उसे महिला सशक्तिकरण का नारा दे, क्यों आंक रहे हो उसे महिला सशक्तिकरण का नारा देकर। प्रकट कर रहे हो कि वो अबला है, अशक्त है, बार बार ये कहकर। प्रकट कर रहे हो कि वो अबला है, अशक्त है, बार बार ये कह कह कर। नारी तो ऊर्जा है, सर्वशक्तिमान है, नारी तो ऊर्जा है, सर्वशक्तिमान है। अरे नारी में तो बसा पूर्ण हिंदुस्तान है, अरे नारी में तो बसा पूर्ण हिंदुस्तान है। भारत माता हमारा हिंदुस्तान जिसे हम माँ कहते हैं, नारी का रूप है। जिन्हें 8 मार्च मनाना है वो शौक से मनाए, जिन्हें 8 मार्च मनाना है वो शौक से मनाए। मगर याद रहे, मगर याद रहे कि शेष 364 दिन भी वो नारी को न भुलाए, कि शेष 364 दिन भी वो नारी को न भुलाए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर से मिलने का वादा करके। नमस्कार।